मोदी का राज तिलक। तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय के बाद नरेंद्र मोदी अब लगातार दूसरी बार राज तिलक के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक दिन पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी की सिर्फ जीत ही ऐतिहासिक नहीं रही, बल्कि उनका शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा भव्य शपथ ग्रहण समारोह पहले न कभी रायसीना हिल्स पर हुआ, न लोगों ने सुना। 30 मई को राष्ट्रपति भवन से दुनिया ऐसा राज तिलक देखेगी जिससे भव्य, जिससे शानदार कभी नहीं दिखा होगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा संभालने वाले हैं। वो अब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और हिंदुस्तान के गणतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सज संवर कर तैयार है। 30 मई शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ करीब 60 मंत्री भी शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला है। मोदी से पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ही ये रुतबा हासिल था। ऐसे में मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की भी पूरी तैयारी की गई है। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहर खुले प्रांगण में होगा। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये चौथा मौका है जब फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। 1990 में पहली बार चंद्रशेखर का फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण हुआ था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फोरकोर्ट में ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण फोरकोर्ट में ही हुआ था। आमतौर पर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होता रहा है। दरबार हॉल में करीब 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन प्रचंड जनादेश के साथ दोबारा सत्ता में आए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार करीब 6000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। 2014 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 4000 मेहमान शामिल हुए थे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट पूरी तरह से तैयार है और सबकी नजरें लगी हैं विदेशी मेहमानों पर। 2014 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तब सार्क देशों के मुखिया को न्योता दिया गया था और पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों के मुखिया उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों को लेकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीति में बड़ा फेर बदल किया है। सार की बजाय इस बार बिमस्टेक देशों के नेताओं के साथ कुल 8 देशों के नेता मोदी के राज तिलक के गवाह बनेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मियंट, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जीनबेको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और थाईलैंड के विशेष दूत ग्रिसाडा बुनरेक मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिमस्टेक के जरिए जहां भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है, तो किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, जबकि मॉरिशस से भारत के गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। राष्ट्र प्रमुखों के अलावा कई देशों के राजदूत, देश के बड़े राजनेताओं, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों, जाने माने बुद्धिजीवियों, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को भी न्योता भेजा गया है। सभी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रमुखों को भी न्योता दिया गया है। सभी राज्यों के राज्यपालों को भी न्योता भेजा गया है। समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए खाने पीने का भी खास इंतजाम है। यहां हल्के नाश्ते के बाद समारोह के बाद उनके लिए डिनर की भी व्यवस्था की गई है। डिनर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का होगा। डिनर मेन्यू में दाल रायसीना को भी जगह दी गई है। दाल रायसीना राष्ट्रपति भवन की खास दाल है, जिसे पकने में 48 घंटों का वक्त लगता है। गुरुवार रात डिनर के लिए इसे पकाने की शुरुआत 48 घंटे पहले ही कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन के रसोई घर को बताया गया है कि अतिथियों में कई लोग भारत के पूर्वी इलाके से भी हैं, जहां रात्रि भोज को काफी हल्का रखा जाता है, इसलिए खाना सादा और हल्का रखने की सलाह दी गई है। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस इंतजार उस घड़ी का है जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि